प्रणाम, जय जिनेन्द्र। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आइए हम सभी लोग आज से एक विशिष्ट चीजों का स्वाध्याय करते हुए नतमस्तक। हमने एक अलग अलग विषय को देखा, जाना, समझा है। आज हम समझने वाले हैं कि कैसे पूरी तरह से जीवन के अंदर श्रापित योग को निवारण करें। बहुत सारे लोगों ने लोटी बना दी है, अभी भी जिसने भी लोटी बनानी बाकी है वो जल्दी से जल्दी अपनी लोटी को बना लीजिए और पूरी तरह से रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आप उसकी स्थापना भी कर सकते हो। तो खास करके जो लोटी पीला कपड़े के अंदर बांधते हुए छोटी सी लोटी आपको बनानी है, उसका जो जो भी लोगों ने मुझे फोटो भेजा है उसका एक आध दो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी तक आपने अपना 21 दिन की पूजा करके यदि वास्के प्रदीप नहीं भरा हुआ है तो पूरी तरह से देखिए, इस प्रकार से लोटी, तांबे की लोटी लेना है, उसके ऊपर पीला कपड़ा बांधना है, उसके बीच में आपको पूरी तरह से जो भी आपके पास वास्केप है, जो 21 दिन तक आपने बराबर पूजन किया है, उसको इस लोटी के अंदर भर देना है और पूरी तरह से जिसको भी आप देना चाहते हो, ये सभी देखो, एक है, दो है, तीन है, बहुत सारा आखिरी दिन उन्होंने बहुत सारे वास्केप बना करके रेडी कर दिया है, तो सारे रिश्तेदारों को बांटने के लिए। तो कोशिश करें कि आप उनको 8 तारीख को रविवार और पुष्य नक्षत्र के पहले आप उनको भेज दीजिए, जिससे वो अपने घर के अंदर वो स्थापन कर सके। आज का हमारा विषय और लेसन, बराबर नोट पेन सभी लोग हाथ में ले लीजिए कि हमको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। पूरा ये लोटी का आपको समझ में आ गया कि लोटी की स्थापना आपने कर दी है, बहुत बढ़िया है, नहीं की है तो आपके लिए वापस एक जो स्वर्णिम अवसर है वो आ रहा है 8 तारीख रवि पुष्य नक्षत्र। बहुत सारे लता जी ने आज देखिए, कोचिन वाले हमारे लता बेन ने आज रिन्यू करा दिया है, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सैकड़ों लोग अपने अपनी यात्रा से, अपनी अपनी जरूरियात से एनर्जी का एक्सचेंज सीख रहे, पढ़ रहे, जान रहे और अनुभव कर रहे हैं। सिंबल का अभ्यास, खास करके सिंबल एक भावधारा है, बड़े अक्षरों में आप लिख लीजिए, सिंबल तब ही काम करेंगे जब आपके अंदर एनर्जी रहेगी। जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं है तब तक कोई सिंबल्स काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारी भीतर की अनंत एनर्जी को निर्माण करने के लिए दोनों हाथ जोड़िए। नए साल के शुभ संकल्पों का आह्वान करते हुए उगादि देव ऐसे आदिनाथ भगवान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो और आदिनाथ भगवान की अनन्य कृपा से मेरे सभी शुभ संकल्प पूर्ण हो चुके हैं। नमो रियंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसावनम, ऐसो मंजनम उकारो सवभाव प्रणाशनो मंगलाणम च सर्वे सिंबरम ओय मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूली भद्राद्या जय न धर्मोस्तु मंगलम। अंगुटे अमृत वसे लब्धे तणाबन्नर श्री गुरु गौतम समर्ये वांछित फल दातार। ईश्वरीय शक्ति का आह्वान करते हुए, नतमस्तक नमन करते हुए, हमने पहले दिन सीखा कि 3 मिनट में कैसे वास्तु दोष को दूर करें। तो पहला लेसन, वो पूरी पीडीएफ सब लोगों के पास आ गई है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचना चाहिए कि जिनके पास एक भी चीज नहीं छूटे, और कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही 10 से 1 में आप मुझे सीधा मैसेज फोन करेंगे, आपको सारी चीज मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं 2-3 लोगों को पूछना चाहूंगा, कविता जी आपने वास्तु शास्त्र का स्टडी किया है, कौन सी दिशा में आप सर रख करके सोते हो? पूर्व दिशा में। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा जर्मनी में है और लड़की की शादी हो गई, वो बड़ौदा में है, और सासू जी ससुरा जी हैं। तो आपको भी आज से लेसन करना है कि मेरी सास और मेरे ससुर जी जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो स्वस्थ रहे। तो स्वस्थ रहने के लिए कौन सी दिशा में सिर रख करके सोना चाहिए? गुरु जी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। आपको स्वस्थता के लिए कौन सी दिशा में सर रख करके सोना चाहिए? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में। तो आपने पूरा लेसन कर लिया कि भाई मैं तो बराबर सोती हूँ, मेरे हस्बैंड बराबर सोते हैं, मेरे सास ससुर जी पूर्व दिशा में, उनका सिर है, कौन सी दिशा में सिर है? नहीं, सासू जी और का पश्चिम दिशा में है, मैं और मेरे हस्बैंड का पूर्व दिशा में। सास और ससुर जी का हस्बैंड की दिशा में, पश्चिम दिशा में है, कोई बात नहीं। पहला लेसन आप लिखिए
कैसे करें हम हमारे घर का, देखिए सब कुछ हीलिंग करेंगे, सब कुछ प्रेयर करेंगे, सब कुछ प्रार्थना करेंगे, लेकिन रात में यदि गलत दिशा के अंदर सोएंगे तो पहला नियम, घर के सभी सदस्यों के नाम एक कागज में लिखिए और वो कौन सी दिशा में सिर रख करके सोते हैं। वास्तु की प्रश्नोत्तरी अगले महीने हमने अगले वीक में जो सीखा है उनका बारंबार और जो जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, जयपुर से बहुत बढ़िया संगीता जी मोदी, साउथ में दिशा में बहुत बढ़िया, तो घर के सभी मेंबर कौन सी दिशा में सिर रख करके सोते हैं। एक चीज हमको कॉमन टेस्ट करनी है, चेकिंग करनी है कि घर का कोई भी व्यक्ति यदि उत्तर दिशा में सिर रख करके सोता है तो वो सभी के लिए बहुत 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 नुकसान कारक है। तो पहला लेसन, कैसे करें हम 3 मिनट में हमारी वास्तु का ऊर्जा संतुलन। आगरा से सरिता जैन, साउथ में सकते हो, बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न, जो हमारा एनर्जी स्थान है, ऐसा जरूरी नहीं बहुत सारे आपने पूजा कर ली, बहुत सारा आपने मंत्र जाप कर लिया तो आपको सीधा रिजल्ट मिल जाएगा, बहुत सारा आपको फल मिल जाएगा। तो दूसरा प्रश्न आपको ये, मुझे आज मंगलवार है, गुरुवार तक सबमिट कराना है। प्रैक्टिकल रूप से यदि इस चातुर्मास में ज्वाइंट होने के बाद भी यदि आपको लग रहा है कि अभी भी वास्तु दोष रह गया है, अभी भी काम नहीं हुआ है, तो खास 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 अब इसके बाद ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आपके ऊपर व्यक्तिगत रूप से काम करे। हमारा मंदिर कौन सी दिशा में है, सेकंड नंबर का प्रश्न लिखिए। हमारा मंदिर और मंदिर के अंदर कितनी चीजें रखी हुई है। जीएलजी का नॉर्थ ईस्ट में, बहुत बढ़िया। ये सारा आपको नोट में लिखना है और मुझे व्हाट्सएप करना है, यदि आप मुझे करेंगे तो मैं आपका देख पाऊंगा, सीख पाऊंगा और आपको सुधार कर पाऊंगा। यदि आपने गलत दिशा में रोज पूजा कर रहे हो और वहां से नकारात्मकता आती है, ऐसे हमने हजारों लोगों को देखा है कि जो जितना ज्यादा धर्म करेगा उतनी ज्यादा क्लेश बढ़ेगी, जो जितना ज्यादा धर्म करेगा उतनी ज्यादा स्वभाव में जड़ता बढ़ेगी, जो जितना ज्यादा धर्म करेगा उतना उनके अंदर नेगेटिविटी, विचारों का तूफान उसको आएगा। तो मेरा घर के मंदिर कौन सी दिशा में है, इष्ट गीता लाखानी, बहुत बढ़िया। और मेरे मंदिर में, यदि आपके मंदिर में 500 चीज है तो जीवन में अभी तक की गई पूजा प्रार्थना मात्र रोबोट की प्रार्थना है, उससे आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। आपके मंदिर में क्या क्या चीज है वो लिखो उसके अंदर। और वो सभी चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा बिना जरूरी। लंबे समय से आपने कितनी सारी चीजों को ऐसे ही डाल दिया है, रख दिया है और ना उसका आप धूप करते हो, दीप करते हो। पहले तो क्या क्या रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको आपके घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 चीजें। कितनी चीजें, 3 से ज्यादा है तो उसको फटाफट फटाफट फटाफट, बहुत जबरदस्त आप भक्त हो तो आपको 6 चीजें रखनी है। और उससे भी आपको डिवाइन एनर्जी, आपको एक बहुत बड़ा हीलिंग सेंटर खोलना है, बहुत आपके अंदर जिम्मेदारी है, तब आपके मंदिर में 9 चीजों को रखना है। बहुत सारे लोगों के घर में जब वास्तु देखने के लिए जाते हैं और कहीं कहीं जब मैं दिल्ली कलकत्ता उधर जब जा रहा हूँ, मेरे से जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर को, बड़े बड़े वास्तुशास्त्री को दिखाता हूँ, मिलता हूँ, चर्चा करते हैं, तो ज्यादातर लोगों के घर के अंदर नेगेटिविटी, बहुत सारे आजकल तो मशीनें निकल गए हैं और स्कैनर मशीन तुरंत बताते हैं कि आपके घर का नेगेटिव स्थान, नेगेटिव उद्गम स्थान आपका मंदिर है। वो मशीन सीधा आपके मंदिर के पास लेके जाएगा। जियोपैथिक स्ट्रेस के सारे मशीनें, सारी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपने बहुत सारे फोटो लगा दिया है।
हमारे भी बहुत सारे भक्तामर हीलर है, बिना काम के अभी अभी कल परसों ही एक व्यक्ति का फोटो आया, 16 यंत्र उसके घर में पड़े हुए, वो सारे यंत्र पानी में बहा दिए। वो बोले एक साल से कोई महाराज साहब जी दे देता है, कोई पंडित जी दे देता है, कोई हिलर दे देता है। लोगों का काम है देना, लेकिन उसकी नकारात्मक एनर्जी, जिस भगवान के फोटो में से सकारात्मक एनर्जी निकलती है, यदि आप उनकी विधि पूर्वक पूजा नहीं करते हो, सम्मान नहीं करते हो, अभिषेक नहीं करते हो, महीने में एक आध बार अगरबत्ती दिया धूप जो है आरती है नहीं करते हो, तो वो ही मंदिर आपके लिए खतरनाक हो सकता है। चप्पू से सब्जी भी सुधारी जा सकती है, और चप्पू से ध्यान नहीं रखो तो हमारी अंगुली भी कट सकती है। तो हमने भक्तामर हीलिंग कोर्स के अंदर सिखाया था कि आपके लिए जो सर्वश्रेष्ठ भगवान है, आपके राशि के जो मेल खाते भगवान है, आपके संघ के मूलनायक भगवान है, या तो जो भगवान को देख करके आपको अति से आनंद आता है, उसका ही प्रतिमा छवि यंत्र और फोटो आप अपने मंदिर में रखे। पहले नंबर की चीज कौन से भगवान रखे, शांतिनाथ रखे, पारसनाथ रखे, आदिनाथ रखे, क्या रखे? तो जिनको देख करके बेहद और अनहद वो भगवान का फोटो आपको रोज सुबह में मंदिर की ओर खींचना चाहिए। और अनहद का मतलब ये है कि वो भगवान को देख करके भगवान की आज्ञा कुछ ना कुछ पालन करने का मन करना चाहिए। तो वैसे 24 तीर्थंकर में से कोई भी एक तीर्थंकर भगवान की फोटो या प्रतिमा या यंत्र रखना है। पार्श्वनाथ भगवान की आपने एक प्रतिमा रख ली, बहुत सारे लोग पार्श्वनाथ भगवान के 108 पार्श्वनाथ का फोटो रखेंगे, इधर का फोटो, उधर का फोटो, इधर का मंदिर होगा इतना छोटा, लेकिन सामान आप देखेंगे भयंकर कचरा का कूड़ादानी। बहुत सारे लोगों के अंदर दिए इतने ऊपर मंदिर काले 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 हो गए। तो कि जो प्रभु को देख करके बेहद आनंद आता हो वो प्रभु का प्रतिमा फोटो या सामान रखिए। दूसरे नंबर के अंदर शासन के कोई ना कोई अधिष्ठायक देव है, जैसे किसी को मणिभद्र दादा प्रिय है, किसी को पद्मावती माता प्रिय है, कोई एक व्यक्ति को समर्पण करो। एक साधे सब मिले, एक लाइन में लिख लेना। अभी भी हमारे में 2-5% लोग ऐसे हैं कि जो भटकेल भूत है, उनको 1 साल क्या 10 साल में भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। एक साधे सब मिले, सब साधे सब जाए, 50 साल के बाद भी वो बोलेगा कि भाई मैं तो भक्तामर बहुत गिनता हूँ, हीलिंग बहुत करता हूँ, बहुत प्रवचन सुनता हूँ, इसकी जुम में जाता हूँ, उसकी जुम में जाता हूँ, पर साला समझ में नहीं आता है, सबके काम हो रहे, सब बोल रहे मेरा अच्छा हो रहा है, मेरा अच्छा हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति एकलव्य ने पत्थर को भी ऐसा गुरु माना, तो पत्थर में से दिव्य शक्ति प्रकट हुई और आज विश्व के इतिहासों में, विश्व के पुस्तकों में वो अंकित हो गया। तो पहले नंबर में कोई ना कोई तीर्थंकर भगवान का समर्पण, सेकंड नंबर के अंदर कोई ना कोई अधिष्ठायक देव का समर्पण, तीसरे नंबर के अंदर गुरु का समर्पण। गुरु के अंदर आपको गौतम स्वामी जी भगवान है, आपके कोई परिचित आचार्य भगवान थे, आपके परिचित कोई मुनि भगवान थे, आपके परिचित कोई साध्वी जी भगवान थे, जिसके ज्ञान से आपके जीवन के अंदर प्रगति का पंथ खुलता है, जिसके ज्ञान से आपकी आध्यात्मिक यात्रा जबरदस्त आगे बढ़ती है, उसका नाम है गुरु। तो तीसरे नंबर की चीज हो गई हमारे साथ में चर्चा के लिए गुरु का फोटो या गुरु की प्रतिमा। और हमेशा एक चीज लिख लेना कि अभिवृद्धि के लिए हर व्यक्ति के घर में गौतम स्वामी जी भगवान की प्रतिमा या फोटो, क्योंकि वो लब्धि निदान है। अभी भी जिन जिन लोगों के आर्थिक प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं, बहुत आज मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ, पैसे आपके फंस गए हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, लक्ष्मी की और ज्यादा बढ़ोतरी करनी है, लोन का कर्जा चढ़ गया है,
लक्ष्मी का इंस्टेंट आपको लाभ लेना है तो सर्वश्रेष्ठ, मैंने कितनी 17 किताबें लिखी और लाखों ग्रंथों का जब अध्ययन किया उसके बाद आपको बता रहा हूं कि तुरंत फलदायी यदि कोई आराधना हो तो मात्र और मात्र गौतम स्वामी भगवान की है। और दो सरल मंत्र, यदि ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ के लिए मंत्र है ओम रेम श्रेम सुवर्ण लब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। और भगवान की कृपा से बहुत पैसा है, भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है, अब शांति चाहिए, रिलैक्स चाहिए, सभी का प्रेम चाहिए, सभी लोग आपका रिस्पेक्ट करें, सभी लोग आपका सम्मान करें, क्योंकि उनके लिए मंत्र है ओम रीम श्रीम अरिहंत वज्जाय श्री गौतम स्वामिने नमः। ये दो मंत्र का पाठ आप विशेष 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 रूप से कीजिए। आराधना के अंदर आगे बढ़ते 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 कोई ना कोई प्रभावशाली यंत्र सभी के घर के अंदर, जो हमारा सुरक्षा कवच यंत्र है, वास्तु यंत्र है, और वास्तु यंत्र की तभी आपको प्रिंट निकालना है कि आपको लग रहा है कि भाई हमारे घर का वास्तु अनबैलेंस है। यदि आपको लग रहा है मेरा घर पावरफुल है तो बिना काम का वास्तु यंत्र, बिना काम की कोई भी प्रिंट अभी तक आपने रखी है उसको पानी में आप बहा देना। तो जरूरत के मुताबिक आपको यंत्र रखना है। अब तीसरे नंबर की चीज है तांबे के यंत्र। बहुत सारे लोगों, इसमें से ऐसा कोई भी नहीं होगा कि एक दो यंत्र का घर में ना हो। यदि आपके घर में तांबे के यंत्र है, कोई भी सामूहिक 108 जोड़े के पूजन में गए, अलग अलग प्रकार के अनेक पूजनों में गए, यंत्र दे दिए और यंत्र काले हो गए हैं और फिर भी आप उसका शुद्धिकरण नहीं करते हो तो वो तारने वाला यंत्र आपको डुबा सकता है। जैसे रोज हम शरीर की शुद्धिकरण करते हैं वैसे 15 दिन में महीने में हमारे घर में जितने भी यंत्र है, मंत्र है, माला है, औषधि है, उनको शुद्ध जल से, और आपके पास यंत्र है तो किराने वाले के वहां से आपको पीताम्बरी येलो कलर का गोल्डन कलर का पाउडर मिल जाएगा, उसको घीस करके आपको बराबर रेडी करना है। शुद्धिकरण से ही शुद्ध ओरा का निर्माण होता है। तो दूसरे नंबर का प्रश्न लिखना है कि मेरे घर में कल परसों नरसों शनि रवि जब भी आपको टाइम मिले तो सारा मंदिर को चेक करो, कितना फोटा है, कितने फोटे फट गए हैं, कितने सारे फोटो में भगवान का माथा फट गया, पैर फट गया, और वो सारा कचरा आप मंदिर में रखते हो जिनके कारण आपके घर में रत्न की प्रतिमा है, आपके घर में ऐसा कोई एक यंत्र का निर्माण हुआ है कि जो यंत्र के अंदर जबरदस्त ऊर्जा हो रही है, लेकिन वो सारी ऊर्जा ये कचरा जो है अनबैलेंस कर देता है। तो वास्तुशास्त्र के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर या आपके घर का मंदिर, क्यों आपके बेटे बेटियों को धर्म के अंदर मन नहीं होता है, घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर खराब होगा, आपके पति देव को आप भी बोलेंगे वो भी नहीं मानेगा, दान देने का मन होगा पैसा नहीं हो आएगा, और जिस दिन पैसा होगा उस दिन दान देने की इच्छा नहीं होगी। तो कि मंदिर के अंदर वास्तुशास्त्र में दूसरे नंबर का प्रश्न, तीन चीजों से ही वास्तु बनता है। पहले नंबर के अंदर आपका जो मुख्य ग्रह से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी ईशान कोण में दोष है, ब्रह्मांड की कोई भी रेमेडी वहां पर काम नहीं करेगी। और एक बड़ी बात अभी अभी गुरुदेव से पता चली कि यदि आपके घर के ऊपर मंदिर का परछाया पड़ रहा है तो वो घर बिल्कुल भी रहना उचित नहीं है। देरासर की जी की महाआसाधना जो है उसमें से एक महाआसाधना है। तो आपके परिचित में आपका घर है, आपके सगे संबंधी का घर है, जिसके घर के ऊपर दजा का परछाया पड़ता हो उनको जल्दी से जल्दी सरल मार्गदर्शन दे करके अच्छे घर में शिफ्ट करना है। तो के जरूर पूर्ता भगवान, अब देखो कोई कोई व्यक्ति ऐसा है कि मैं रोज 20 मिनट आदिनाथ भगवान की आराधना करता हूँ, कोई 20 मिनट पार्श्वनाथ भगवान के, मेरे 3-4-5 घंटे तो जाप में ही चले जाते हैं, 20 मिनट में शांतिनाथ भगवान को अभिषेक करता हूँ। यदि आप टाइम देते हो, रोज नहीं देते हो, वीक के अंदर, वीक में नहीं तो महीने के अंदर भी
जितने भी भगवान हैं वो सभी भगवान को तीन तीन मिनट भी आप देते हो तो आप हजारों भगवान 1008 भगवान की अद्भुत संरचनाओं के साथ आपका मंदिर बना सकते हो। तो आपको कल ये लिखना है कि मेरे घर में जितने भगवान हैं उनके बराबर में कितना मिनट वहां से पॉजिटिविटी निकले, वैसा प्रयत्न है कि वहां की नेगेटिविटी और ज्यादा मेरे परिवार को धर्म से दूर करती है। तो आपको कल दूसरा एक लेसन करना है। पहला लेसन, कौन से दिशा के अंदर सब लोग सोते हैं, मेरे घर में कितने भगवान के फोटो और प्रतिमा है, यंत्र है, कितने काले हो गए हैं, कितने टूट चुके हैं, और सभी को फटाफट फटाफट आप जो भी गांव में रहते हैं वहां साधु साधु जी भगवान को दिखा करके फटाफट फटाफट उसका रास्ता कर लेना है। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका प्रश्न का समाधान हो। ये सारी थेरापी अच्छी है, कोई भी थेरापी ऐसी नहीं है कि जो काम नहीं करती है, लेकिन उसके ऊपर आप काम नहीं करोगे। वास्तु शास्त्र का सुन लिया लेकिन चेंज ही नहीं किया, गलत दिशा में आप रोज रसोई बनाओगे, रोज रात को 8 से 9, 9 से 10 जबरदस्त नशा चढ़ जाएगा कि अब हमें जीवन ऐसा जीना है, क्रांति करना है, दान करना है, संयम के साथ जीना है, और जैसे आप गलत दिशा में जाकर सो जाओगे सारा वो नशा सुबह तक खत्म हो जाएगा। और यही होता है मैक्सिमम लोगों के साथ, क्योंकि भोजन किस दिशा में आप बना रहे हो। और आपके जो जो भी प्रश्न है, जितने भी हमारे पेड मेंबर हैं, ये इन लोगों के जो जो भी वास्तु के रिलेटेड प्रश्न है, जो जो भी हम थेरापी सिखा रहे हैं, वो सारे प्रश्न को आप लिखिए, क्योंकि ये समाधान युक्त परिणाम लक्ष्मी ये चातुर्मास है। हमें 100% परिणाम तक पहुंचने का विनम्र प्रयास करना है और करेंगे, रोज संशोधन करेंगे, रोज रिसर्च करेंगे, रोज प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे। तो के खास 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 और एक चीज लिख समझ लेना कि जिसका शरीर स्वस्थ है, जिसका मन स्वस्थ है, उन्हीं का घर का वास्तु स्वस्थ हो सकता है। रेंट के घर का भी वास्तु दोष अपने को लगता है, इताक्षी बेन पूछ रहे हैं। क्योंकि एक चीज आप समझ लीजिए कि जो जगह पे आप 7 घंटा 8 घंटा कंटिन्यूस रहते हो, यदि आप कल्पना करें कि किसी ने कचरा फेंक दिया है, उस कचरे के पास आप 3 घंटा बैठेंगे, अनिच्छा से भी बैठेंगे, आपको दुर्गंध आएगी या नहीं आएगी? तो कि जैसी एनर्जी के अंदर कोई व्यक्ति, आप गार्डन में चले गए, चारों तरफ सुगंध 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 है, पिक्चर देखने के लिए गए, वो 150-200 रुपया दिया है, 500 रुपया दिया है, तो उस सुगंध का भी हम कुछ पल के लिए जैसे आनंद लेते हैं, तो हमेशा अभ्यास करते हुए। और एक चीज हमेशा बिलीव सिस्टम में बना लेना है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरा कर्मों का फल है। क्या क्या मैंने क्या बात आपको बताई? और एक बात आप समझ लेना कि भाई वास्तु के साथ में हम रहे तो क्या दिक्कत है, क्योंकि तो वास्तु वाले घर में कभी भी आप एक काम नहीं कर सकते हो। दे आपको टेस्ट करना है कि मेरे घर में वास्तु हमारे जैन धर्म की ध्वजा बिना बेन लक्ष्मी नारायण मंदिर की शिखर की ध्वजा जो शाम कर आती है, तो उसका नॉलेज तो आपको कोई गुरु महाराज साहब दे सकता है, लेकिन मेरा जितना अभ्यास है वो जैन धर्म के मंदिर की ध्वजा के बारे में स्पष्ट मना बोला है। आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं उसका प्रैक्टिकल परीक्षण, कि अभी आप क्लास में बैठे हो और यदि आपका मन डामाडोल हो रहा है, शरीर ऊंचा नीचा हो रहा है, कभी पेन कभी मोबाइल कभी माला, इधर उधर इधर उधर भटक रहे हो, 100% आपके घर में वास्तु दोष है। तो क्या उसके पता कैसे चले? आपके घर में जब भी वास्तु दोष हो तब आप कोई भी एक चीज का आनंद नहीं ले सको। भोजन खाओगे तब विचार आएंगे, टीवी जोगे तब अलग विचार आएंगे, सोएंगे तब अलग विचार आएंगे। तो हमेशा एक समय एक चीज की आप आराधना करो, एक चीज की साधना करो। और मंदिर में क्यों वास्तुशास्त्र क्यों सीखना चाहिए? सबसे पहली चीज है, यदि आपने घर नहीं कराया है, आज चारों तरफ इतने कैंसर के केसेस आ रहे हैं, उसका मुख्य रीजन यदि है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कट रहा है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर बिना काम का भारी सामान,
और फ्लैट के अंदर, और ये वास्तु दोष भी किसको लगता है, जिनका एक बेडरूम का, दो बेडरूम का, तीन बेडरूम का घर है उन्हीं को ज्यादा असर करता है, जिनके बड़े बड़े बंगले हैं आज इस घर में नेगेटिविटी इस रूम में, कल दूसरे रूम में चले जाएंगे। राजा महाराजा को वास्तु दोष नहीं लग रहा था। जब ये भूकंप आया 20 साल पहले, उसके पहले इतना वास्तु दोष का नहीं था। तो हमने एक जैन वास्तु शास्त्र से क्या सीखा, जैन वास्तु शास्त्र से हमने क्या पाया, और ये सीखने के बाद आपने क्या चेंजेस किया? गलत दिशा में अभी भी बैठकर भोजन कर रहे हो, अभी भी आपका दवाइयां का डब्बा भर भर के दवाइयां आपको खाना है, अभी भी आपको बीमार ही रहना है, आर्थिक से, मन से, शरीर से, वचन से, काया से, क्योंकि उनकी शुद्धिकरण की जो आराधना है वो जैन धर्म में। और मंदिर में आप देखिए, कितना भी दुखी इंसान होगा, कितना भी भयंकर कोटि के अपराध करके भी आया होगा, लेकिन एक मिनट के लिए तो उसको सुकून मिलेगा। वहां पर हमें प्रश्न होता है कि प्रभु तो अचिंत शक्ति के स्वामी है, लाखों मंत्र के उस मंदिर में जाप हुए है, अनेक पूजन हुए है, लेकिन उसके भूगर्भ के अंदर जो पूरी तरह से नवग्रह महापूजन, 10 दिक्पाल महापूजन, ऐसे 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 वास्तु के कलश तैयार किए गए हैं, जिन्होंने भी मंदिर बनाने का लाभ लिया होगा, जिन्होंने भी शिलान्यास का लाभ लिया होगा, उनको पता होगा कि कैसे कैसे उपरत्न, और भूगर्भ तक सीमित नहीं है, प्रभु भी जहां विराजमान होते हैं वहां पर भी सोना, चांदी, हीरा, रूप, सुवर्ण का प्रभाव है। एक मैं आपको हर महिला को बताना चाहूंगा कि जिनके भी पास सोना है, जिसको भी लग रहा है कि मेरा अट्रैक्शन कम हो रहा है, जिसको भी लग रहा है कि मेरा अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो उनके लिए छोटी सी रेमेडी है कि ज्यादा से ज्यादा आप सोना पहनिए, ज्यादा से ज्यादा। श्रावक और श्राविका के पैरवेश वेशभूषा में लिखा था कि हर व्यक्ति के अधिश्री अंगुली के अंदर सोने की अंगूठी होनी चाहिए, चांदी की अंगूठी होनी चाहिए, और जब जब भी आप पूजा करो तो यहाँ पर तीसरी अंगुली के अंदर यदि खास 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 आपको सोने की अंगूठी नहीं है तो वो नहीं चल सकता है। आपके पतिदेव आपके सामने नहीं देख रहे, आपके घर में नौकर आपके ऊपर हावी हो रहे, घर के अंदर वातावरण एकदम कलुषित हो चुका है, बेटे को आप कुछ ना कुछ बात मनाना चाहते हो, तो सुवर्ण जो है, सुवर्ण के अंदर जबरदस्त कोटि का वशीकरण छुपा हुआ है। तो आज मैंने आपको 2 लेसन दिया हुआ है, और आज हम एक नया विषय को सीखने वाले हैं। कैसे आपको लग रहा है कि श्रापित योग कुंडली के अंदर श्रावण मास जबरदस्त कोटि की मास साधना चल रही है, उस साधना के अंदर अद्भुत रूप से रविवार के दिन जो भक्तामर की मास साधना हुई, जो जो लोग जुड़े थे, जो जो लोगों ने इस अनुष्ठान किया सामूहिक रूप से, अनेक लोगों को विशिष्ट लाभ हुआ है। तो खास करके कुंडली के अंदर श्रापित योग क्या होता है, आज मैं आपको 4 चीजें सिखाने वाला हूं। यदि आप कोई गलती नहीं करते हो, आपके पतिदेव कोई गलती नहीं कर रहा है, फिर भी उनका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके संबंध जो है सुमधुर नहीं हो रहे हैं, तो के कुंडली के अंदर खास करके पहले नंबर के अंदर एक बड़ी चीज मैं आप सभी लोगों को मैं लिखा देता हूं, ये सारी तारीखें नोट कर ले, मंगल, बुध और गुरु हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे, शुक्र, शनि, रवि आपको ये पूरा लेसन करना है, और 7 के अंदर 8 तारीख को यदि आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, कोई छोटे बच्चे को, कोई अलग अलग व्यक्ति को, तो 8 तारीख को रविवार रवि पुष्य नक्षत्र सभी के लिए संपूर्ण फ्री ऑफ चार्ज सरस्वती माता का अद्भुत महापूजन 9:30 बजे से है। तो आपके अड़ोस में, पड़ोस में, आपके संघ में सारे विद्यार्थियों को, सारे अभ्यासुओं को इसके अंदर आपको जोड़ देना है। हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब जी का एक अद्भुत दिन आ रहा है, पंचानिका महामहोत्सव, शुक्रवार माँ का दिन प्यारा, एक पहले नंबर के अंदर हम अभ्यास कर रहे हैं, जिन जिन लोगों को अपनी कुलदेवी का पता नहीं है,
तारीख बराबर आप नोट कर लीजिए, 8 तारीख को बराबर 9:30 बजे फेसबुक के ऊपर ये पूजन स्टार्ट हो जाएगा 9:30 बजे। 13 तारीख को अंबिका देवी महापूजन, आपके इर्द गिर्द जो जो भी लोग हैं जिनको भी अपनी कुल देवी का पता करना है, नेमिनाथ भगवान का कल्याणक है और जैनों की कुल देवी ऐसी अंबिका देवी का महामंगलकारी पूजन जैन अनुष्ठान फेसबुक पेज के ऊपर सुबह में 9:30 बजे स्टार्ट होगा। बताते हुए इतना खुशी हो रही है कि अगला चातुर्मास हमारा इतना यशस्वी रहा, और एक बहन जिनका अभी अभी देहांत हुआ, काल धर्म हुआ, इतने जबरदस्त कोटि के भक्तामर के साधक थे, मृत्यु के अंतिम समय तक जिन्होंने भक्तामर की जबरदस्त साधना की, तो इतनी खुशी हो रही है कि वो आखिरी आखिरी दिनों में भी हमारे क्लास में आते थे, क्लास में बैठते थे और अंतिम समय कर्म का लेखा जोखा जीवन यात्रा इनकी पूरी हुई, लेकिन उनके परिवार की ओर से यहाँ पर अहमदाबाद के अंदर अति भव्य रूप से 14 तारीख को श्री पार्श्व पद्मावती महापूजन, ये फेसबुक के ऊपर नहीं आने वाला है, ये पारिवारिक 150-200 लोगों का एक शनिवार के दिन गुप्त अनुष्ठान विशिष्ट महाशक्ति साधना है। 15 तारीख को खास करके भगवान का महाअभिषेक, सक्रस्त महाअभिषेक, नवोत्तम सूत्र से जिस भगवान की जो स्तवना की है, गुरु क्या होते हैं और गुरु भक्ति क्या होती है, तो अहमदाबाद के अंदर जितने भी लोग हैं खास करके 15 तारीख को सक्रस्त महाअभिषेक होगा, और आप सभी लोगों को ज्यादातर लोगों को पता चल ही गया है, लेकिन कोई भी हमारे पेड मेंबर है, रजिस्टर मेंबर है और उसको पता चला नहीं है कि भाई मेरी पत्रिका के अंदर कालसर्व नाम का योग है या नहीं है, तो उनका कुंडली का पहला पन्ना खास करके व्हाट्सएप करके जान सकते हैं। कोई कुंडली के अंदर सबसे बड़ा दोष, जीवन की सबसे बड़ी रुकावट, करोड़पति से लेकर रोड़पति के ऊपर जाना, जैन धर्म के अंदर कालसर्व योग कैसे काम करता है, क्यों पानी के स्वप्ने आते हैं, तो के पूर्ण जैन विधि से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान आदि विशिष्ट बीज मंत्रों के विधान के साथ में 27 तारीख को शुक्रवार के दिन कालसर्प योग का विधान पूरी तरह से आप सभी लोगों को कराया जाएगा। और इन्हीं के साथ में खास करके 17 तारीख एक ऐसी दिन आ रही कि हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी, जिनका दशाब्दी पर्व, समय जाते हुए कोई देर नहीं लगती है, जिन्होंने अद्भुत जिनशासन का निर्माण किया, इसे गुरुदेव का गुणानुवाद सोमवार और मंगलवार के दिन करेंगे। तो ये आगे के सारे कार्यक्रम है, 2 लेसन, कितने कौन सी दिशा में सब लोग सोते हैं, हमारे घर में कितने भगवान काम के हैं, कितनी की पूजा नहीं हो रही है, उन सभी का शुद्धिकरण के साथ में आज हम समझेंगे। यदि आपने जीवन के अंदर एबोर्शन कराया है, बहुत बड़ी बात आपका वो जानने से हो गया है, अनजानने से हो गया है, लेकिन उनका कितना खतरनाक रिएक्शन आपको भुगतना पड़ेगा। आज हम सीखेंगे कुंडली के अंदर श्रापित योग, श्रावण मास के अंदर भगवान आदिनाथ परमात्मा, पार्श्वनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, अंबिका देवी, रणेंद्र देव के प्रभाव से जिनकी पत्रिका के अंदर श्रापित योग, गलतियां तो सबसे होने वाली है, लेकिन जैन धर्म के अंदर हर चीज का एक सरल राजमार्ग है। अज्ञात बाधा पैदा हो रही है, आप सीधे जा रहे हो और गिर जा रहे हो, सीधे जा रहे हो न्याय से, नीति से, भक्ति से, समर्पण से जी रहे हो, फिर भी जीवन के अंदर शांति नहीं है, तो भगवान पार्श्वनाथ परमात्मा की श्रावण मास में जितनी ज्यादा पूजा करते हो, श्राप का मतलब बड़े बड़े कार्य अंतिम समय के अंदर रुक जाना, जो जो भी लोग गलत काम कर रहे हैं, जो जो भी लोग अशुभ काम कर रहे हैं, उनको खास करके ये चीज का फल भुगतना ही पड़ेगा, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। आपकी कुंडली के अंदर यदि श्रापित योग है, आपके जीवन में बाधा आ रही है, प्रकृति का सीधा नियम है, जो आप क्रिया करोगे उसकी प्रक्रिया होगी, जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। और कभी कभी ऐसा होता है, हमने ऐसा भी देखा है कि बच्चा जन्म लेता है और उसके दिल में छेद आ जाती है, फिर से बच्चा जन्म लेता है और उसके दिल में छेद आ जाती है, और जिसके कारण उसको ऑपरेशन कराना पड़ता है।
प्रश्न होता है कि बच्चे ने क्या किया होगा कि जन्म के साथ में इसको ऑपरेशन कराना पड़ा। अगले जन्म के जो कर्म है, अशुभ पाप है, अनेक कारण हो सकते हैं। कोई व्यक्ति ने जिंदगी में कभी शराब नहीं पिया है, लेकिन उसके जो है पूरी तरह से खास करके लीवर खराब हो जाता है। हमको प्रश्न, कई सारे साधु साधु जी भगवान को कैंसर हो जाते हैं, क्योंकि पूर्व जन्मों का रिएक्शन हम आगे आने वाले समय के अंदर सामूहिक पुद्गल वो सिराने की क्रिया भी कराने वाले हैं। तो जो पाप हम जानते नहीं है फिर भी उसकी परंपरा चल रही है। तो कि श्रापी जीव अपने कर्मों का, यदि आपने श्राप लिया है, किसी को बहुत हैरान किया है, परेशान किया है। एक सत्य घटना, हमारे भक्तामर इलाज पालीताना जा रहे थे और योगानु एक पति पत्नी दो जना, ड्राइवर था, उसकी कामवाली भी साथ में थी, और ऐसा जोरदार उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट ऐसा हो गया कि उस व्यक्ति का जो पति था, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, वहां के वहां मर गया। अब बात देखिए, ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। और अपने पति को मरते हुए देखा पत्नी ने, मद्रास या उधर क्या उधर की साइड के कोई परिवार था। आज तक उस बहू को, उस पत्नी को, इतना उसके बेटे को बड़ा किया, लाखों रुपया दिया, हर महीने अभी तक सरा ओ दे रहे, सहायता दे रहे उसको, मेडिकल सब कुछ। लेकिन उस वक्त उस पत्नी के हृदय से निकला कि आपने मेरे पति को मार दिया। आज पूरा उनका वंश जो है खलास हो गया है। लाखों करोड़ों रुपया देने के बाद भी तो जीवन के अंदर मौका मिले तो दुआ लेना, लेकिन किसी से हाय लेने का पाप बिल्कुल मत करना। तो क्योंकि अज्ञात बाधा मेरे जीवन में आ रही है, या मैंने किसी का श्राप लिया है या नहीं लिया है, वो मैं कैसे जानूं? तो कुंडली के हिसाब से दो चीज, जिसकी भी पत्रिका के अंदर सूर्य और शनि साथ में है, जिसकी भी पत्रिका के अंदर सूर्य और शनि साथ में है, उनके साथ पूर्व जन्म के बहुत सारे लोग, दुश्मन लोग सदैव उनके साथ में रहेंगे। आज का तीसरा लेसन आपको भी देने जा रहा हूं, बराबर ध्यान से नोट पेन लेकर के बैठना। जिनकी पत्रिका के अंदर शनि और राहु साथ में है, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक, जादू टोना, पूर्व जन्म के अंदर, अभी आप सेठानी हो इसके लिए आप अपनी नौकरानी की बजा सकते हो, बहुत बोल बोल करते हो, बहुत हैरान करते हो, क्योंकि अपनी शक्ति का जब आप दुरुपयोग करते हो तो उसका फल आपको भुगतना पड़ता है। तो शनि और राहु कुंडली में साथ में हो तब आपको समझ लेना कि अगले भव का कोई ना कोई भार मुझे इस जन्म के अंदर परेशान कर रहा है। और अपने हाथों के अंदर लेसन नंबर 3, यदि आपके हाथ में, यदि बराबर बीच में सेंट्रल के अंदर तिल है, तभी आपकी पत्रिका में आपके जीवन के अंदर पूर्व जन्म की छाया, पूर्व जन्म के कर्मों का विशेष असर आपको दिखाई देगा। जब आप ये 3 लेसन करो, साथ साथ में आपको तीसरा लेसन ये भी करना है कि आपके पूरे शरीर में कहां पर तिल है। तिल का भी जबरदस्त बड़ा एक शास्त्र है। यदि बहुत अच्छी जगह पे तिल है, तालू के ऊपर है, कंठ के ऊपर है, हृदय के ऊपर है, तो तिल का भी आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। और आपके हाथ में है तो आपको पता चल जाएगा भाई मुझे जल्दी से जल्दी प्रायश्चित करना है, मुझे जल्दी से जल्दी मंत्र जाप करना है। ये सारे हमने अंगूठे के ऊपर है, बहुत बढ़िया। कौन से काम करने से हमारी कुंडली के अंदर श्रापित योग होते हैं, हमारे बने बनाए काम रुक जाते हैं, व्यापार रुक जाता है? क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने दायित्व को नहीं निभाता है, जैसे घर का वडील है, अपने भाई को नहीं संभालेगा, अपने माता पिता को नहीं संभालेगा, अपने पति की सेवा नहीं करेगा, अपने पति को नहीं संभालेगा, बच्चों के प्रति, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागता है वो व्यक्ति की पत्रिका में श्रापित योग बनता है।
दूसरे नंबर के अंदर बिना आवश्यकता से जो वृक्ष काटता है, बहुत सारे लोग गार्डन में चलने के लिए जाए तो काटते रहे काटते रहे काटते रहे, क्योंकि तो बिना काम से आप यदि वृक्ष को काटते हैं तभी आपकी कुंडली में श्रापित योग बनता है और एंड मोमेंट के अंदर आपके सारे काम रुक जाते हैं। और तीसरे नंबर के अंदर श्रापित योग कुंडली के अलग अलग योग में से एक बहुत खतरनाक योग, आजकल कितना भी गवर्नमेंट कड़क कायदा ला दे फिर भी लोग जैसे ही प्रेगनेंसी का समाचार आते हैं इधर उधर तपास करा ही लेते हैं कि लड़का है या लड़की है। तपास नहीं भी कराए तो भी बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर ये कठिन चीज एबॉर्शन हुआ हुआ है, वो जानने से हो गया है, कभी कभी प्रॉपर बच्चा नहीं बनने के कारण भी हो गया है। तो कि वो जब भी आप एबॉर्शन कराते हो तभी भी आपकी कुंडली में श्रापित योग निर्माण होता है। और चौथे नंबर का अंतिम श्रापित योग में आपको बता रहा हूं, जब जब भी आप आपके पति से, पति हो तो पत्नी से, मित्र से और आखिरी के अंदर गुरु से छल करते हो, तीन चीज लिख लेना, जीवन में इन तीनों के साथ कभी भी गद्दारी मत करना। भगवान रूठ जाएंगे तो भगवान को आप मना सकते हो, लेकिन जिस दिन आपका गुरु रूठ गया ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति प्रभु के साथ कनेक्ट नहीं कर सकती है। श्रापित योग कैसे बनेगा? यदि आपने आपके पति को धोखा दिया है, गुप्तगु कोई कार्य हो गया है, यदि आपने आपके मित्र को धोखा दिया है और यदि आपके आपके गुरु की आज्ञा पालन नहीं की, अवहेलना की है, तो आपको ब्रह्मांड का कोई भी मंत्र, कोई भी हीलिंग, कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती है। श्रावण महीने में ये सारे पाप हो गए है, बोर्सन हो गया है, हमने गुरु को बदल बदल कर दिया, कभी ये गुरु कभी वो गुरु, इसीलिए बताया कि हर व्यक्ति को गुरु मत मानो, गुरु और सदगुरु में अंतर है। एक बात समझ लेना, गुरु और सदगुरु में बहुत अंतर है। गुरु का मतलब जहीं से जो कुछ भी सीखने को मिला सीख लिया वो हमारे गुरु है, और सदगुरु का मतलब है सर्वस्व समर्पण। और सदगुरु हमेशा एक ही होते हैं, अनेक नहीं होते। फिर से, गुरु अनेक होते हैं लेकिन सदगुरु तो एक ही होते हैं। और यदि उनकी आज्ञा नहीं मानी, उनके पास कभी इधर भटके कभी इधर भटके, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है? इसी कारण, तो यदि पांच में से कोई भी गलती हमारे से, हमें आमंत्रण करना है, कभी कभी मैं जिम्मेदारी से छटक रहा हूँ, माता पिता की सेवा करनी है तो मैं भाग रहा हूँ, बन गया, पति के साथ गलती हो गई है, अब कुछ चीजें खुल के नहीं अपन बोल सकते, लेकिन भगवान ने कितनी जबरदस्त कोटि की एक व्यवस्था की है, तो हो गई गलती, चलो कोई बात नहीं, आप प्रायश्चित करने के लिए तैयार है, आप मिच्छा में दुक्रम बोलने के लिए तैयार है, तो आपके लिए रास्ता है। मन ही मन चिंतन करके, मनन करके, पहले नंबर के अंदर निवारण कैसे करें, इन पांचों चीजों का निवारण पहले नंबर के अंदर, खास 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 दायित्व अभी तक नहीं निभाया है तो खूब सेवा करो। पैसा होगा या नहीं होगा लेकिन जिम्मेदारी लेने का एक खास करके अवसर ढूंढो, हॉस्पिटल के अंदर जाकर के दवाइयां बांटो। यदि आपने आपके परिवार को छोड़ दिया है, माता पिता को छोड़ दिया है, बच्चे को हॉस्टल में भेज दिया है, खास करके तीन चीज करना है, हॉस्पिटल के अंदर दवाइयां बांटें, रोगियों की सेवा करें। हर भक्तामर हिलर को मैं इतना कहना चाहूंगा कि हर महीने आप दुनिया में आपको जहां लगे वहां दान दो, वो आपकी मर्जी है, पर हर महीने 400 रुपये का दान आपको करना है। जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है, अतिशय गरीब है, उनको मिनिमम 40 रुपये का दान, और जो पैसा दारे हो तो अनाप शनाप कर सकते हैं। हर वीक अपने इधर उधर सब जगह पे रविवार के दिन या कोई भी एक दिन नक्की कर लो,
पैसे वाला, ज्यादा पैसे वाला है तो केले है, सफरजन है, हर वीक दान करना है। पूरी टोपली भर के चाचा 100 रुपया केला ले लिया, देके आ जाओ। 100 रुपये का बिस्किट ले लिया, दे करके आ जाओ। नम्र मुनि महाराज जी का रियल में कहना चाहिए कि एक ऐसा जैन धर्म का इतना बड़वीर संत है, इतना ताकतवर संत है, इतना दयालु संत है कि इन्होंने जो युवाओं के अंदर दया की करुणा की भावना, हम अहमदाबाद में, पूरा अहमदाबाद में घूमते हैं, उनके जो लोग रविवार को खिचड़ी लेकर के आ जाए, ये लेकर के आ जाए, मानवता के नाम के ऊपर मसीहा है। ये कोरोना काल में भी गुरुदेव ने इतना, इतने सारे वेंटिलेटर, इतने मशीनें, इतने टेस्ट, इतनी सार्वजनिक सहायता, तो ये मात्र हीलिंग 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 नहीं, हमें वो भी करना है। आपको भगवान ने पैसा दिया है तो दानवीर बनिए। जिस दिन आपके हाथ से 50,000 की, लाख की, 5 लाख की गड्डिया, वो तिजोरी खोलो और तिजोरी में पड़ी दिखे और आपका हृदय कंपन नहीं करे, आपके साथे साथ चक्र ब्लॉकेज है, तो यथाशक्ति। ऐसा नहीं कि आप अपनी शक्ति नहीं और बांट दो, पर हम 10 रुपये वीकली 10 रुपये का बिस्किट बांटो, वीकली 100 रुपये का बिस्किट बांटो, तो कि इसी से स्थापित योग दूर होगा। पहले नंबर में हॉस्पिटलों में सेवा करें, दूसरे नंबर में रोगियों की सेवा करें। यदि पहले नंबर का आपके कुंडली में दोष है तो अनुकूलता है। अभी अभी हमारे एक भक्तामर हीलर ने बहुत सुकृत का काम किया, पलक मुसल करके गुणी जनो ना गुण गाता गुण आवे निजान। इतने ऐसा नहीं कि आपको खाली जैन अनुष्ठान जैन अनुष्ठान जैन अनुष्ठान। इंदौर की एक जैन लड़की और जिन्होंने संकल्प लिया है कि मुझे जिनके भी हृदय में छेद है वैसे लोगों का फ्री ऑफ चार्ज ऑपरेशन कराना है, और हमारे एक भक्तामर हीलर ने उसके अंदर 1.5 लाख रुपया देकर के जबरदस्त कोटि का लाभ लिया। ऐसा उत्कृष्ट कोटि का कार्य, और बॉम्बे के 2-3 लोग जो साथ में जुड़े हुए हैं, वो भी कई साधन में उसके पास पहुंच जाए, किसी की स्कूल की फीस भरनी है, किसी का ये करना है, किसी का वो करना है, यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे करोड़ों रुपए के देरासर और उपाश्रय साचवने का मुख्य अधिकार, और वो जगमगाट भरा पूरे साल चलता रहे, वो सिर्फ और सिर्फ साधर्मिक से ही होगा। तो हमारे बहुत हितांक्षी बहन धार्मिक पाठ ले से बिल्डिंग के अंदर बहुत जबरदस्त खूब खूब, जिससे जो होता हो, कोई ज्ञान दान करे, कोई अभय दान करे, कोई जीव दया का दान करे, कोई कुछ भी पैसा बिल्कुल नहीं है, भाई बैठिए मैं आपको भक्तामर सुनाऊंगा। तो पहले नंबर के अंदर आपकी जन्मोत्सव के अंदर कुंडली के अंदर श्रापित योग है पहले नंबर का, तो उसके लिए खास करके आपको कोई ना कोई साल के अंदर ऐसा कोई ऑपरेशन है आपके भाई का, आपके बहन का, तो वहां पर सहयोग करना है। सेकंड नंबर के अंदर श्रावण मास में यदि ये करेंगे ना, तो उसका अनंत गुना फल है, क्योंकि पर्वाधिराज पर्युषण भी अभी आने वाला है। यदि आपने आपके जीवन में बहुत सारे वृक्ष को कटाया है, बहुत बार आप लीलोत्री के ऊपर चले हैं, तो ये श्रावण मास के अंदर यदि वृक्ष को बचाना है, और वृक्ष बचेगा तो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा तो हमारी आने वाली पेटी बचेगी, वृक्ष ही नहीं होगा तो पूरा संसार खत्म हो जाएगा। तो खास 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 प्रकृति जो है, साधु भगवान तो इतने महान क्यों बताए कि इस धरती के ऊपर सबसे बड़ा योगदान किसी का हो तो हमारे साधु और साध्वी जी भगवंतों का। तो जितने भी समाज सेवी आए, जितने भी लोग मंडल चलाते हैं, संकल्प करें कि पूरे साल में 2, 4, 5, 10 बड़े बड़े घटादार वृक्ष को मैं वाऊंगा, और जिनके द्वारा बहुत सारे वृक्ष कट गए हैं उनको श्रावण मास में बबीता जी जैन में हर गांव में महिलाओं को दान पुण्य के लिए जोड़ती हूँ। खूब खूब बेन प्रणाम, खूब खूब अनुमोदना। एक एक कोहिनूर हीरे हमारे भक्तामर चातुर्मास में जुड़े हुए हैं, क्योंकि तो ओम धर्णेन्द्राय स्वाहा, जिनसे बहुत सारे वृक्ष कट गए हैं अभी तक, और वो पाप में से आप मुक्त होना चाहते हो,
अब आखिरी गंभीर बात, और ये बात आपको कहीं से भी जानने के लिए नहीं मिलेगी, यदि गलती से भी एबोर्शन हो चुका है, तबीयत के कारण हो चुका है, अनजाने में हो गया है, जानने से हो गया है, कुछ भी हो गया, ये एबोर्शन का पाप तमाम प्रयत्न करने के बाद भी आपका पीछा छोड़ेगा नहीं, तो इसका जल्दी से जल्दी तो पहला गुरुदेव के पास 800 महिलाओं को भविता जी ने जोड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत 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 जबरदस्त, खूब अनुमोदना लो। क्योंकि एबोर्शन हमसे हो गया है, क्या करेंगे? क्योंकि उसके लिए गुरुदेव ने बहुत सरल बातें बताई है कि इसमें से बचने के लिए कैसे। भविता जी कैसे काम करते हो? 800 महिलाओं को आपने जोड़ा है, काम कैसे करते हो? क्या काम? दीपेश, 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 प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्रणाम, बोलो। मैं ऐसे महिला परिषद करके मंडल है जो पुण्य सम्राट जेनसन सूरज जी का है, तो अलग अलग गांवों में जैसे आप जूम मीटिंग कर रहे हैं ऐसे मैं जूम से जूम के द्वारा जोड़ती हूँ, तो ऐसे अनाथ आश्रम का करती हूँ, गायों का दान का मतलब कबूतर दान, या हॉस्पिटलों में गर्भवती महिलाओं का, और जैसे हमारे सादर में कोई भाई बहन है तो पहले हम उनका देखते हैं कि, तो बिना किसी को बताए हम उनके घर पे राशन पहुंचाते हैं कि उनको घर को भी पता नहीं कि कहाँ से आया है करके, ऐसे एक दो लेडीज को पता रहता है जो हम काम करने वाले, तो वही काम हम साउथ में मतलब 11 जगह पे जाके शुरू किया, बेंगलोर है, मैसूर है, कोयम्बतूर है, मदुरई, सेलम, मैं खुद वहां जाके महिला को इकट्ठा करके मीटिंग के द्वारा उनको सबको जोड़ती हूँ और समझाती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ विराजते, कहाँ रहते आप? हाँ, आप कहाँ रहते हो? मैं मैसूर में रहती हूँ। बहुत बढ़िया, मैं ये पांच साल से कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, मेरे को मतलब शुरू से ही मतलब ऐसे काम करने में इंटरेस्ट था, तो मेरे पति एक्सपायर हो गए, मतलब 17 साल हो गए, तो बच्चे छोटे थे, तो मैं खुद बिजी रहना चाहती थी कि मेरे को दूसरा स्टेप कुछ लेना नहीं था, तो कि मैं जैसे दुकान भी संभाल रही हूँ और उसके साथ में मैं मेरे जीवन के लिए कुछ करना चाहती थी कि मैं मेरे पति के नाम से या कुछ ऐसी पहचान की मैं उनके नाम से एक जानी जा सकूं, बाकी ऐसे कुछ भी नहीं। और बाकी तो जो जनरली अपना जो रेगुलर काम है वो सब करती हूँ, मंदिर का मंडल में भी हूँ, संस्कार वाटिका भी, बच्चों को पढ़ाने भी जाती हूँ संडे को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली से हमारे बबीता जी के लिए, इतना जबरदस्त कर्मठ कार्यकर्ता है, खरेखर आपके सामने हमारा सर झुक जाता है कि इतनी आप जबरदस्त कोटि की सेवा कर रहे हैं। खूब खूब बेन अनुमोदा, खूब खूब आपका धन्यवाद है। ये सभी महिलाओं को क्या गुरु देते, कुछ क्या बोले? अभी भी टाइम पास कर लेती है, टीवी देख लेती है, मोबाइल देख लेती है। नहीं नहीं, वो नहीं करना चाहिए, जो अपने को जीवन मिला है तो उसका सदुपयोग करो, चाहे कोई भी काम में जुड़े रहो, कि कोई भी ऐसा काम हाथ में लो कि अपना भी एक मतलब कर्म मतलब पुण्य का उपार्जन हो, और सबको किसी न किसी काम में व्यस्त रहना चाहिए कि बिना फालतू का टीवी मोबाइल या गपशप से कुछ होने वाला नहीं है, अगर अपना जीवन सुधारना है तो कुछ अच्छे कार्य में जुड़ो। और भक्तांबर हीलिंग से तो मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया, मैं 4 महीने से जुड़ी हूँ, मैं दिन की 9 टेबलेट थी मेरी, 9 टेबलेट लेती थी, आज 1 टेबलेट के ऊपर हूँ, मतलब एक भी लेना जरूरत नहीं पड़ता है, मगर कभी तकलीफ होती है तो, बाकी बहुत मेरे को इतना इंटरेस्ट मतलब इतना अच्छा लगा है कि मैं क्या इसकी कितनी जितनी अनुमोदना करूं कम है मेरे लिए। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। भविता जी एक काम और करना है कि बहुत सारी बातें लोगों को आ गई है, समझ में आ गई है, पर एक चीज समझ में नहीं आई है कि शुरुआत कैसे करें, किस चीज की शुरुआत करें। मैंने शुरुआत मतलब जैसे हमारे गुरुदेव है जेनसन सुरसर जी, तो उन्होंने का परिसर है तो वो हर जगह में पूरा ऑल इंडिया लेवल तक है, वो हर जगह पे, तो मेरे पुण्य सम्राट जब डेवलप हो रहे थे तो 4 महीने पहले उन्होंने मेरे को उनके जन्मदिन के ऊपर मेरे को बोला कि बबीता तेरे को एक काम करना है। मैं बोला क्या गुरुदेव? तो उन्होंने बोला कि नहीं, पूरे साउथ में मेरी इच्छा है कि महिला परिषद का गठन करना है,
मैंने बोला कि गुरुदेव मैं नहीं कर पाऊंगी, गुरुदेव ने एक ही बोला कि मैं हूं ना, और 4 महीने के बाद में वो देवलोक हो गए, मगर मेरे लिए आज भी वो मेरे सामने हैं और सब कुछ वही करवाते हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। जब मेरी मीटिंग चलती है मैं कुछ क्या बोलना है और क्या बोलती हूँ और कैसे मेरा काम सक्सेस होता है मेरे गुरुदेव ही जानते हैं, मेरे को कुछ पता नहीं चलता, और मेरे आदिनाथ भगवान जानते हैं या मेरे शांतिनाथ भगवान, बाकी मेरे को मैं क्या करने जा रही हूँ, ऐसे कैसे मैं बाहर गांव जाती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, दुकान भी दो दुकान भी संभालती हूँ, कोई नहीं था मेरे आगे पीछे, मेरे गुरुदेव ने मेरे को रास्ता बताया और मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जितनी आपकी अनुमोदना करें। मगर सब लेडीज को एक ही कहना चाहती हूँ, चाहे कोई भी मोड आए कैसा भी आए, अकेली लेडीज कुछ भी कर सकती है, अगर हिम्मत है तो अपन कहीं तक भी पहुंच सकते हैं, शिखर हमसे दूर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत, आज आपने जबरदस्त सभी की ऊर्जा को और बढ़ा दिया, एक बार जबरदस्त तालियों के साथ में हमारे भविता जी का खूब खूब स्वागत करेंगे, खूब खूब प्रणाम करते हैं, गुरुदेव का अपने एक वचन झील लिया और आज हजारों लोगों के पथ दर्शक आप बने हैं, और उसके अंदर भक्तामर का भी आना हुआ तो हमको भी बहुत बेहद बेहद बहुत खुशी है कि आप जैसे कोहिनूर रत्न जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़े हुए हैं। हम कुछ नहीं है गुरु जी, कुछ नहीं, जब आपका सुनती हूँ ना तो ऐसे मन में दुख होता है कि हम कहाँ मतलब भटक गए थे इतने दिन। नहीं, भटक गए थे, कुछ भी नहीं है, एक राई के दाने के जितने भी हम नहीं है, बस कर रहे हैं, बहुत चल रहा है जीवन। बहुत बहुत अनुमोदना बहन, आपको आपके परिवार के सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, सभी लोग कमेंट के अंदर खूब खूब अनुमोदना आपके लिए लिख रहे हैं और आपको सत 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 प्रणाम कर रहे हैं। देखिए ऐसे कोहिनूर रत्न जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़े हुए हैं, आपको सुनकर के यही बहन है, इनके भी बच्चे हैं, इनको भी हजारों जिम्मेदारी है, लेकिन गुरुदेव ने बोला कि पूरा प्रांत के अंदर जैन शासन का डंका लहराना है, तो आपको खास 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 करना पड़ेगा। तो कभी ना कभी हमसे ये गलती हो गई है या हो जाती है, तो उसके लिए खास करके स्नात्र महोत्सव जो है, गर्भवाद कुंडली के अंदर श्रापित योग क्यों बनता है, तो कि हमारी कुंडली में इस जन्म के अंदर आपके पास पैसा है, ऐश्वर्य, और आपका जीवन खत्म हो गया और आपने एबोर्शन कराया हुआ है और उसका प्रायश्चित नहीं लिया, तो अगले जन्म के अंदर ये पीछा नहीं छोड़ेगा, तो कि उसका 3 उपाय, पहले नंबर के अंदर बारंबार 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 स्नात्र महोत्सव कराइए भगवान का, अभिषेक पूजा का जबरदस्त महत्व है, साथ साथ में सेकंड नंबर के अंदर क्षमापना का भाव, प्रतिक्रमण का भाव, 3 वाक्य, मनना पापोनु मिच्छामि दुक्कड़म, वचनना पापोनु मिच्छामि दुक्कड़म, कायाना पापोनु मिच्छामि दुक्कड़म, ये बारंबार बारंबार क्षमापना का जो भाव है, और उनके लिए एक अद्भुत सूत्र है, ये सूत्र सभी को जल्दी से जल्दी दिवाली तक सीख लेना है, बहुत लंबा पीरियड मैंने आपको दिया है, पहले प्रणादिपाद, बीजे मूर्सावाद, बीजे अतदान, चौथे मैथुन, बाद में परिग्रह, जे कोई बाप सेवी होए, सेवरावी होए, सेवता प्रत्ये अनुमोदी होए, ते सभी हु मन वचन काय करे मिच्छामि दुक्कड़म, पहले प्रणादिपाद जे 18 पापस्थानक ना नाम छे, एने वारंवार वारंवार क्षमा भाव थी मिच्छामि दुक्कड़म नी साधना आ श्रापित योग माथी मुक्ति प्रदान करे छे। और यदि और भी हो, बड़ा विचित्र कक्षा का कर्म है, तो आखिरी चीज है कि हमारी जो जरूरतमंद लड़कियां है, किसी का जीवन को आप दिशा देते हो, ऑटोमेटिक आपकी दशा बदल जाती है, फिर से किसी के जीवन को दिशा, लग्न में रुकावट आ रही है, लग्न के लिए पैसा नहीं है, मामेरा करने का पैसा नहीं है, गोद भराई का पैसा नहीं है, बड़े विकट काल के अंदर जो बोल नहीं सकते ऐसे ऐसे कार्य, तो वहां पर मुट्ठी बंद करके दे देने का, छोटी छोटी बच्चियां है, शिक्षा के अंदर पैसे की जरूरत है, तो कि लड़कियों की सेवा करने से जबरदस्त कोटि का महापुण्य का बंध और एक गर्भपात का श्राप का भार हल्का हो जाता है। और आखिरी चीज, यदि आपने आपके गुरु की अवहेलना की है, गुरु को नाराज किया है, मैंने पहले ही बोला कि भगवान नाराज होंगे तो उनको मना सकते हो, लेकिन गुरु नाराज होए, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
आपका ज्ञान जो है वो सदगान में से मिट जाएगा। आपका मुक्ति के मार्ग के पथ दर्शक सिर्फ गुरु है। तो खास क्षमा याचना करें, गुरुदेव के पास जाए। चतुर्दशी देखिए, हमारे जैन धर्म बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए कितना जबरदस्त समय, ऐसे बड़ा प्रधान के लिए हमको गौरव होता है कि संसद के अंदर बड़े बड़े भाषणों के अंदर लिखा है, बोला है उन्होंने कि जैन धर्म के अंदर ही एक ऐसी परिभाषा है, एक ऐसी व्यवस्था है कि गलती कितनी भी बड़ी हो जाए क्षमा अपना इच्छामि दुक्कड़म। तो यदि हमने हमारे गुरु को साथ, गुरु ने बोला कुछ और होगा और यदि किया कुछ अलग है तो आपको श्रापित योग, आपकी कुंडली कमजोर हो जाएगी। हमेशा आप बी और सी कैटेगरी के ऊपर ही रहोगे। तो गुरु की क्षमा याचना करो और एक गुरु संबंधी श्रापित दोष में से मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा सरल मार्ग कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईश्वर के साथ में, धर्म के साथ में, भक्ति के साथ में जोड़ने का सरल प्रयास करो। समझ में आ गया? गुरु आज्ञा यदि टूट गई है तो अनेक लोगों को भक्तामर लिंग के साथ में जोड़िए। 8 तारीख के दिन सरस्वती पूजन है तो हमारे इर्द गिर्द मोबाइल में जितने भी नंबर है एक भी बच्चा बचना नहीं चाहिए। तो गुरु द्रोह में से, गुरु की आसाधना में से मुक्ति होने का अंतिम जो मार्ग है वो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को धर्म से और अध्यात्म से जोड़ना, मानवता से जोड़ना, सेवा से जोड़ना। तो आज हमने श्रापित योग के बारे में बहुत डिटेल से जाना, समझा। अभी तक यदि कालसर्प योग के बारे में आपको समझण नहीं है तो खास करके उसके बराबर तैयारी कर लीजिए। पूरा आगे का इसी महीने का मैंने कार्यक्रम आपको बता दिया है। मंगल, बुध और गुरु, यही जूम के आईडी के ऊपर आपको जुड़ना है। रविवार को फेसबुक के ऊपर 9:30 बजे हमारा लाइव होगा तो पूजन के अंदर उसमें आप सभी को जुड़ना है। ये सारी बातें हम आपको समय समय पे बताते रहेंगे और आपको मिलती रहेगी। तो फिर भी यदि कोई लग रहा है कि कोई चीज हमसे मिसिंग हो गई है तो जरूर 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 आप सुबह में 10 बजे से 1 बजे हमारे जो पूरी टीम है, पंडित जी परेश भाई है, हितेश भाई है, सारे सारे चिकना बहन है, बम्बई से पारुल बहन है, जो जो भी धर्म प्रचारक है उन सभी को छूटते हुए सरल ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप से पाए और ये 4 महीने के अंदर 100% आपका प्रॉब्लम का या तो सॉल्यूशन हो जाए या तो उसका मार्ग मिल जाए। यदि बहुत लंबे समय से 5, 10, 25 साल का प्रॉब्लम है, बहुत भारी प्रॉब्लम है तो एक रास्ता मिल गया तो अवश्य मंजिल मिलेगी। अष्ट प्रकारी पूजन का सामान हर पूजन में रहता है। कोई भी विशिष्ट पूजन होगा तो आपको यंत्र संग्रह के अंदर वो सारी चीजें आ जाएगी। तो बराबर आंखें बंद, कमर से टट्टार बैठते हुए चतुर्थ शरणा परमात्मा का शरणा को लेते लेते इस साल गुरु माँ के नाम, चंद्रशेखर विजय महाराज जी को कौन कौन जानते हैं? चंद्रशेखर विजय महाराज जी को वल्लभ भाई जानते हैं, मायाबेन जानते हैं। मायाबेन क्यों जानते हो? आपने उनके प्रवचन सुने थे। प्रणाम गुरुजी। कैसे जानते हो आप चंद्रशेखर विजय महाराज जी को? અમારે અહીંયા પ્રેરણા તીર્થ માં તપોવન સ્ટડી સર્કલ માંથી ભણાવવા આવે છે, દર શુક્રવારે ક્લાસ ચાલે છે। કોણ આવે છે ભણાવવા માટે? સ્મિતાબેન, બોમ્બે વાળા। મુંબઈ વાળા એટલે બોમ્બે થી અહીંયા શિફ્ટ, એમના હસબન્ડ ગુજરી ગયા છે એટલે ઘણા વર્ષોથી અમદાવાદમાં છે। તો આપને કભી ચંદ્રશેખર માસાને જોયા છે કે નહીં? હા, એમને અંતિમ નો વખતે પણ અહીંયા ગયા હતા, આંબાવાડી। આંબાવાડી ગયા હતા? હા, દર્શન કરવા ગયા હતા। અરે, એમના પ્રવચનો સાંભળેલા છે? બહુ ઓછા, પ્રવચન સાથે એટલો બધો કોઈ કનેક્શન નથી। ના, ખાલી તમે આંબાવાડી છેલ્લા સમય એમને મળવા માટે ગયા હતા। આમાંથી કોણ ભાગ્યશાળી એવા છે જેણે ખાસ ચંદ્રશેખર વિજય માસ્ટરના પ્રવચનો સાંભળેલા હોય? નીલમબેન, તમે સાંભળેલા છે? એક જ વખત ફક્ત। ક્યારે સાંભળેલા હતા? તપોવન, તપોવન નવસારી આગળના તપોવન માં ગયા હતા ત્યારે એમને રૂબરૂ માં જોયા પણ છે, વંદન પણ કરેલા છે એમને। તમને એમનો ચહેરો યાદ છે? હા, આમ ચહેરો યાદ છે। અચ્છા, તો બીજા મારા સાહેબમાં અને ગુરુમામાં તમને ફરક શું આમ લાગ્યો? ભાવ જે એમને મોડું જોયા પછી જે આપણી આંખમાંથી ભાવ જાગે એ અલગ જ જાગે છે।
અલગ જ જાગે છે. એમ સત્વ હોય, ઉર્જા હોય એવું ફીલ થાય એમની નજીક જઈએ તો. એમના ઓરા અલગ જ હતા. આ દુનિયાના સર્વશ્રેષ્ઠ હીલર આપણા ચંદ્રશેખર વિજય માર સાહેબ બધા જે બોલે ને એ થાય. આભા મંડળ જુદું હતું એમનું. આભા મંડળ જુદું. વલ્લભભાઈ તમે ક્યારે મારા સાહેબ ને જોયા હતા, ચંદ્રશેખર વિજય માર સાહેબ ને? અમારે સંઘમાં ચતુર્માસ હતો એમના, અને અમે 4 મહિના વ્યાખ્યાન માં જતા હતા. તમારી ઉંમર બહુ નાની હશે. જીવન ની અંદર એક લાઈન માં મેં આપકો બતા દુ તો કે વર્તમાન મેં જીતને ભી સાધુ સાધ્વીજી ભગવંત હૈ ઉનકે જીવન મેં કુછ ન કુછ રૂપ સે કોઈ ને કોઈ યદિ યોગદાન હૈ તો ચંદ્રશેખર વિજય માર સાહેબ જી કા હૈ. ઓર એસે ચંદ્રશેખર વિજય માર સાહેબ જી કી દશાબ્દી પર્વ હમ સભી લોગ સાથ મેં મિલકર કે મનાને વાલે હૈ અગલે મંગળવાર કો. હિતાક્ષી બેન, મારા જમાઈ તપોવન માં ભણેલા છે, મારા બાળકો તપોવન માં ભણેલા છે, શિબિરો તપોવન માં જઈ રહ્યા છે. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ચંદ્રશેખર વિજય માર સાહેબ સાથે બેસવું, ઉઠવું, પ્રવચન સાંભળવો એ આપણા એક જીવન નો લાવો છે. અને એવા ગુરુ માં સાથે કેટલા બધા વર્ષો. જાલીની બેન, શું ચંદ્રશેખર વિજય માર સાહેબ માટે તમારે શું કેવું છે? પ્રણામ. બહુ નજીકથી એમની શિબિરોમાં છોકરાઓ સાથે ગયેલું છું ને એનાથી મારા છોકરાઓ સંસ્કારનું સિંચન થયેલું. શિબિરમાં જવાથી તમારા છોકરાઓના જીવનમાં કઈ પરિવર્તન આવ્યું હતું? હા, ઘણું બધું. એટલે શું પરિવર્તન આવ્યું હતું? છોકરાઓમાં પહેલા અમારા ઘરમાં બહુ જ એમ કહેવાય ને કે ટીવી ને પિક્ચર ને એ નવા જમાનાની બહુ જ હવા હતી. અમારું ફેમિલી બહુ મોટું છે, અમે 7 જેઠાણી જેઠાણી છીએ, એટલે બધા અમે જોઈન્ટમાં રહેતા હતા. ત્યારે છોકરાઓમાં બહુ જ એ હતું. પછી જયારે શિબિરમાં ગયા ને પછી ઘણું પરિવર્તન આવ્યું. પછી મારા ઘરમાં મારા જેઠ ને બધા કહેવા લાગ્યા કે આટલું બધું તું એ કરે છે તો કાલ તારા છોકરાઓ લઈ જશે એમ. ઘરમાં બધાનું વાતાવરણ એવું હતું કે તમે આટલું બધું ના કરો. ખુબ સરસ. દેખીએ કિતના સારા લોકો કે જીવન મેં વ્યક્તિગત રૂપ સે ચંદ્રશેખર વિજય માર સાહેબ જી કા અસીમ આશીર્વાદ હૈ. તો આઈએ હમ સભી લોકો ઉનકો વંદના કરતે હુએ, પ્રાર્થના કરતે હુએ, કમર સે બરાબર ડટ્ટાર, ખૂબ ભક્તિ ભાવના કે સાથ એસે ગુરુમા કો વંદના કરતે હુએ હમારી પ્યારી જો પ્રાર્થના હૈ. સભી કો આંખે બંધ કરકે બેઠના ઓર એક એક શબ્દ કો બોલતે બોલતે અરિહંત સહારા મેરા હૈ અબ ઓર સહારા કોઈ નહીં. ઓર આખરી મેં જબ 3 બાર આપ બોલતે હો અરિહંત સહારા મેરા હૈ, અરિહંત સહારા મેરા, તો સર્વસ્વ અબ ઓર સહારા કોઈ નહીં. વહાં પર ક્યુ નહીં હૈ તો અબ કોઈ વિકલ્પ નહીં. અરિહંત પરમાત્મા આપ હી હમે તારોગે, આપને હમે તાર લિયા હૈ ઓર મેને તીસરે ભવ કા રજિસ્ટ્રેશન રિઝર્વેશન કરા લિયા હૈ. કમર સે ડટ્ટાર, ગહેરી સાંસો કો લેતે હુએ ખૂબ ભાવધારા કે સાથ મેં અંતિમ પ્રાર્થના અંતિમ વંદના કરેંગે. અરિહંત સહારા મેરા હૈ અબ ઓર સહારા કોઈ નહીં. અરિહંત સહારા મેરા હૈ અબ ઓર સહારા કોઈ નહીં. શ્રી સિદ્ધ સહારા મેરા હૈ અબ ઓર સહારા કોઈ નહીં. શ્રી સિદ્ધ સહારા મેરા હૈ અબ ઓર સહારા કોઈ નહીં. આચાર્ય સહારા મેરા હૈ અબ ઓર સહારા કોઈ નહીં. આચાર્ય સહારા અબ ઓર સહારા
जाए सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, उपजाय सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है। अरिहंत सहारा मेरा है। श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। बस इसी तरह से सीखते रहिए, समझते रहिए। कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आ रही तो बहुत डिटेल से सारी चीजों को समझते हुए कल हम अलग अलग और नए विषयों के साथ में रत्न परीक्षण, आपने हाथ में किन किन अंगूठियों को पहना है, गुरु की, चंद्र की, मोती की, अलग अलग आपके बेटे, आपके सगे संबंधी, घर वाले रत्न किया है, रत्न कैसे काम करते हैं, लंबे समय से कोई भी आप स्टोन पहनते हो वो भी आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है, किस व्यक्ति को कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, कितने समय के लिए पहनना चाहिए, कब निकालना चाहिए, उनकी एक एक सूक्ष्म सूक्ष्म छोटी छोटी बातें आगे आने वाले समय के अंदर हम करते रहेंगे। यही भावधारा के साथ में सभी को प्रणाम, सभी को वंदना, सभी को साथ। कल वापस 9 बजे इसी आराधना साधना में मिलेंगे। सभी लोग, जो जो भी लोग फेसबुक चलाते हैं, छोटी छोटी इमेज बना करके 8 तारीख को सरस्वती महापूजन में एक एक व्यक्ति संकल्प लेके कम से कम में 50-50 लोगों को इस महा साधना में जोड़ते हुए सभी को आनंद का प्रसाद बांटूंगा। यही भावधारा के साथ कल मिलते हैं। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार।